हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आँखों में जो जलन होती है और आँखों का सूखा हो जाता है, आँखों में ड्राइनेस रहती है। तो दोस्तों, उस ड्राइनेस को दूर करने की यह आई ड्रॉप है। इसका नाम लुब्रेक्स आई ड्रॉप है। इसमें इस आई ड्रॉप में कॉर्बेक्सी मिथाइल सेलुलस 0.5% है। दोस्तों, यह इसका नाम है लुब्रेक्स आई ड्रॉप, कार्बेक्सी मेथाइल सेलुलस आई ड्रॉप, IP 0.5% है इसमें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये इसको आप दिन में दो बार या ज़्यादा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा ड्राइनेस है आपकी आँखें, तो आप उस तीन बार यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है दोस्तों, और हम अगर इसकी बात करें तो इसमें दोस्तों सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलस 0.5% है और इस्टेब्लिश्ड ऑक्सीक्लोरो कॉम्प्लेक्स 0.005% है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके फायदे की बात करें तो आँखों में जलन होती है, और जब डॉक्टर इसको प्रोवाइड करते हैं, जब आँखों में जलन होती है या यूं कहें आँखों में सूखापन आ जाता है, गड़न होती है, जलन होती है, और देखा जाए तो जब आँखों का थोड़ा बहुत लाल हो जाता है और आँखें दर्द करने लगती हैं, तब इस दवा को प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर की सलाह के बगैर इस दवा का प्रयोग बिल्कुल ही मत करिएगा। वैसे भी यह नुकसानदेह आई ड्रॉप नहीं है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्स बहुत ही अच्छा है और ये आपकी आँखों के लिए फायदेमंद रहता है और नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसकी रेट की बात करें तो 112 रुपये है इस समय, प्रेजेंट टाइम में 112 रुपये मार्केट में आपको मिल जाएंगे, कोई भी मेडिकल स्टोर पर आप जाएंगे। और दोस्तों, इसकी अगर नुकसान देह की बात करें तो ये नुकसान जीरो, मतलब नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता, बहुत ही कम करता है। और अगर कुछ भी इन्फेक्शन होंगे तो थोड़ा बहुत ऐसे आँखों में, जैसे हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखना ज़्यादा यूज करने से, जलन होना आँखों में, ज़्यादा जलन होने लगेगा, उसके बाद आँखें लाल हो जाएगी, और बस यही थोड़ा बहुत होता है। बाकी ये आँखों में ज़्यादा फायदेमंद की ये आई ड्रॉप है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लुब्रेक्स आई ड्रॉप है। इसको दोस्तों हम दिखा दें, इसकी पैकिंग, ये दवा प्रोवाइड किया है डॉक्टर ने तीन बार डालने के लिए, ये, और ये इस नोजल को आप कभी भी अपने हाथ से नोजल को बिल्कुल भी टच मत करिएगा, क्योंकि इन्फेक्शन, आँखों में इन्फेक्शन होने का बहुत ही बड़ा खतरा इस नोजल को छूने से हो जाता है। इसीलिए इस नोजल को आप बिल्कुल भी अपने हाथों से टच मत करिएगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसको खोल के और उसके बाद इसको आराम से रख के ऐसे डालने से, और कभी भी इस नोजल को आप टच मत करिएगा, और आप इसको एक से दो बूंद अपनी आँखों में सुबह, शाम और दोपहर तीन बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, डाल सकते हैं। गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।